खबर इंदौर से। शहर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन में मंगलवार देर रात शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच विवाद हो गया। इसमें पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं से मारपीट की गई थी और अब पुलिस अधिकारी इस मामले को दबाने का, इसके साथ ही मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि पुलिसकर्मियों ने शादी समारोह में पहुंचकर वहां आए मेहमानों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी की। देर रात को छत्रीपुरा क्षेत्र की पुलिस लाइन में डीजे बजाने को लेकर पुलिसकर्मियों का विवाद और महिलाओं के साथ मारपीट हो गया। इसमें चार महिलाएं घायल हो गई। पुलिसकर्मियों ने चार महिलाओं ज्योति बड़ेले, हेमा सोनरे, किरण भूमि नरेडिया के साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित महिलाओं सहित जोशी मोहल्ला के रहवासी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचे। इस मामले में महिलाएं जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गईं तो उच्च अधिकारी मामले में रिपोर्ट नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही क्रॉस कंप्लेंट करने की भी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब परिवार को इस प्रकार जातिगत शिकायत नहीं करनी चाहिए। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि तीन पुलिसकर्मी थे, सभी शराब पिए हुए थे। दूल्हे के भाई मनोज ने बताया कि शादी में डीजे बज रहा था तो ये पुलिसकर्मी पहले रात 8 बजे आए और डीजे बंद करवाने के लिए कहा। उनसे जब कहा गया कि प्रशासन से 11 बजे तक की अनुमति है तो उसके पहले ही वो बंद कर देंगे, वहीं उसके बाद वो चले गए। दोबारा करीब 10:30 बजे के करीब पुलिसकर्मी आए और वायर खींचकर स्पीकर बंद कर दिया। बाद में स्पीकर खींच लिया और 2000 रुपयों की मांग करने के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। मेहमानों के लिए बनाया गया खाना भी फेंक दिया। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नगर महामंत्री जीतू कुशवाहा और धानक समाज के लोगों ने प्रशासन को हिदायत दी कि यदि मामले में क्रॉस कंप्लेंट की गई तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन करने की भी धमकी दी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीन पुलिस वालों ने मेरी चौकियों पर हमला करा तो मेरी बेटी का सर फोड़ दिया। तो अपने वो आरोप लिए हुए थे, वो 2000 रुपए मांग रहे, बोले हमको 2000 रुपए दो, बोले कोई नहीं, हाथ पे वो कर दिया। नाटक कर रहे हैं यहाँ पे इन लोग ने, जो होना चाहिए भैया हमारा नुकसान हमारे बच्चों का, और मेरे बच्चे का मेडिकल होना चाहिए। ये भी संगीत का तो हमारा आके है ना, एकदम वायर खींचे तो मैंने क्या ना सर तुम वायर कैसे खींच रहे, हमारे छोटे छोटे से तुम खींच रहे, कभी उनके लग जाएगा किसी को, इधर केस की टंकी चल रही थी, एकदम उनका वायर खींचा तो उनका से रोका तो मेरे को धक्का देके कहता हट रही हट, और ऐसा गंदे लफ्ज से हमसे बात करते। आवाज आएगी महिला दंगी चल रहा था, तीन पुलिस वाले छत्रपुरा थाने के, वो अंदर घुस गए, स्पीकर बंद कर दिया, स्पीकर बंद कर दिया, वो लेके भागने लगे, लेकिन उन्होंने उनको हाथ में आई वो स्पीकर मांगा, हाथ में नहीं दिया, उसको चाटा मार के लेके चाटा मारा, चाटा मारने के बाद उनसे बोले ना तो भी हमको वापस दो, फिर तुम बजा के 12 बजे का टाइम था, हम 12 बजे बंद कर देते, 2 दिन से हमारा गुजारा हमारे आइए, हम 12 बजे तक बंद कर रहे, तो उसके बाद में 12:30 बजे लोग आए, स्पीकर छीना, वो छीना कर दी, तो छीना जब तुमसे कर दी ना तो उन्हें माना चालू कर दिया, तीन दो सारा पे लेडीज को मारा गया, हाँ लेडीज को मारा, सर फोड़ दिया, 3 साल की बच्ची है, 4 साल की, तो पेट पे सीने पैसा मारा हमने, तो सर वो रो रही है। क्या नाम पुलिस वालों का? उसका नाम ब्रजेश है और एक नाम अमरीश अमरीश अमरीश, तो तीनों पुलिस वाले यहाँ सामने रहते हैं, अमरीश तीन सामने रहते हैं, उसके पापा को रहा नशे, डांट पड़ा उसके पापा को, तीनों नशे में थाने गए थे। क्या हुआ? हम थाने गए थे, अभी लेडीज में जो थाने गए रिपोर्ट लिखने, वो हमारे जो बड़े पिताजी है उनके पेड़ में मारा, राड़ लगी पेड़ में, दिल्ली को मारा, दिल्ली को मारा, पूरा सामने खड़ा, पूरा खाना वाना था, फेक पका दिया, पूरा खाना फेंक दिया था। हाँ आपका नाम बताइए? मेरा नाम योगन समद है। आपको कौन लगता है दूल्हे के? मैं दूल्हे का भाई हूँ।